हाय हेलो एंड वेलकम गाइस, मैं नीलम हैरा और आप देख रहे हैं टुडेज न्यूज, जहां होता है आपका फिल्म इंडस्ट्री से डायरेक्ट कनेक्शन। बॉक्स ऑफिस इन एक्ट्रेस ने तीनों खानों का बजट डाला बैंड। इस साल अक्षय कुमार की केसरी, मिशन मंगल और हाउसफुल 4 जैसी फिल्में रिलीज हुई जिन्होंने करोड़ों की कमाई की। अब साल के अंत में उनकी गुड न्यूज भी रिलीज होने जा रही है। जैसे कि आप लोग जानते ही होंगे कि साल 2019 में कई सारी फिल्में रिलीज हुई हैं। भले ही अक्षय कुमार की फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर अपना प्रभाव छोड़ा हो, लेकिन ऋतिक रोशन, शाहिद कपूर और विक्की कौशल भी उनसे पीछे नहीं हैं। यहाँ हम आपको बताते चलते हैं कि इस साल अक्षय कुमार की फिल्म केसरी, मिशन मंगल और हाउसफुल 4 जैसी फिल्में रिलीज हुई जिन्होंने करोड़ों की कमाई की, लेकिन अब साल के अंत में उनकी गुड न्यूज भी रिलीज होने के लिए पूरी तरह से तैयार है। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि वह इस साल बॉक्स ऑफिस पर 1,000 करोड़ रुपए के चौंकाने वाले आंकड़े तक पहुँच सकते हैं। जी हाँ, जानकारी के अनुसार आपको बता दें कि हाउसफुल 4 ने मुंबई में टॉप ग्रॉस फिल्मों की लिस्ट में 12वीं पोजीशन हासिल की है। इस फिल्म ने यहाँ 79.25 करोड़ का कलेक्शन किया और इसने ऋतिक रोशन, टाइगर श्रॉफ, स्टार वॉर को भी पीछे छोड़ दिया, जिसने 77.42 करोड़ की कमाई की। हालांकि इस मामले में कबीर सिंह और उरी द सर्जिकल स्ट्राइक जैसी फिल्में आगे निकल गईं और शाहिद कपूर की फिल्म ने 87.21, तो वहीं विक्की कौशल की फिल्म ने 84.11 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया, इस साल मुंबई में किया। लेकिन माना जा रहा है कि हाउसफुल 4 अजय देवगन की गोलमाल अगेन के टोटल कलेक्शन के रिकॉर्ड को तोड़कर बॉलीवुड की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली कॉमेडी फिल्म बन सकती है। जबकि मुंबई सर्किट में गोलमाल अगेन ने 87.08 करोड़ की कमाई की थी, जो कि अक्षय कुमार की फिल्म से अभी काफी ज्यादा है। खैर, जो भी हो, साल 2019 अपने अंत की तरफ है। ऐसे में ऋतिक रोशन इस साल के सबसे बड़े कमाऊ सुपरस्टार साबित हुए हैं। इस साल ऋतिक रोशन की 2 फिल्में रिलीज हुई, सुपर 30 और वॉर। इसके साथ ही वॉर की अब तक की कुल कमाई 318.01 है, 1 करोड़ हो गई। इस अपडेट से जुड़ी आपकी जो भी राय है वो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं और जुड़े रहें आप हमारे चैनल टुडेज न्यूज से। हम फिर से हाजिर होंगे ऐसे ही एक नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहें हमारा चैनल टुडेज न्यूज, और साथ ही साथ आप हमारी न्यूज को today.com पर भी देख सकते हैं और यूट्यूब पर सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच की वॉचिंग टुडेज फॉर मोर न्यूज।